हेलो फ्रेंड्स, मायसेल्फ डॉक्टर अभिषेक महेश्वरी। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर हमने टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कंसेप्ट पढ़ा था, फ्यूचर वैल्यू। इस वीडियो के अंदर वी विल डिस्कस अबाउट द डिस्काउंटिंग ऑफ प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक। तो फ्यूचर वैल्यू कंसेप्ट था हमारा कि प्रेजेंट वैल्यूज को फ्यूचर में कन्वर्ट करना, और प्रेजेंट वैल्यू कंसेप्ट होता है फ्यूचर की वैल्यूज को प्रेजेंट में कन्वर्ट करना। अब क्योंकि फ्यूचर में वैल्यूज, आज आप कुछ इन्वेस्ट करोगे सपोज 1 ईयर और 2 ईयर, तो वो वैल्यू इंक्रीज होती है, इसलिए फ्यूचर वैल्यूज हमेशा इंक्रीज होती है प्रेजेंट वैल्यू से। और जब आप फ्यूचर की वैल्यू को प्रेजेंट में कन्वर्ट करोगे तो वो वैल्यूज आपकी डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है। तो इसीलिए इस टेक्निक को हम डिस्काउंटिंग कहते हैं। डिस्काउंटिंग माने कम करना किसी चीज को। सो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग फ्यूचर कैश फ्लोज इनटू द प्रेजेंट वैल्यू इज कॉल्ड डिस्काउंटिंग टेक्निक। कि जो आपको फ्यूचर में कुछ मिलना है, फ्यूचर में कुछ रिसीव होना है, उसे अगर आप आज की डेट में कन्वर्ट कर रहे हो तो उस टेक्निक को हम कहते हैं डिस्काउंटिंग टेक्निक। अब जिस तरह से फ्यूचर वैल्यू में हमने पढ़ा था कि फ्यूचर वैल्यू में हमारे पास दो तरह की टेबल होती थी, एक होती थी कंपाउंड वैल्यू फैक्टर टेबल, एक होती थी कंपाउंड वैल्यू फैक्टर एन्यूटी टेबल। एन्यूटी हम यूज करते थे सेम अमाउंट इधर वी आर रिसीविंग और पेइंग एवरी ईयर। तो सेम वही दोनों कंसेप्ट यहां पर भी चलते हैं हमारे, कि प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी भी होती है और प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर हमारा लमसम वाला भी होता है। तो एक एक करके हम दोनों को डिस्कस करते हैं। तो पहले हम डिस्कस करते हैं कुछ क्वेश्चंस के साथ में इस कंसेप्ट को कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एस लमसम। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ए लमसम या सिंगल पेमेंट या फिर सिंगल पेमेंट, इस केस में अगर आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालनी हो तो उसका फॉर्मूला क्या होगा कि जो भी आप फ्यूचर वैल्यू में रिसीव कर रहे हैं मल्टीप्लाई बाय प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एन आई। एन यानी नंबर ऑफ इयर्स, आई मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन लेके चलते हैं हम। सपोज एन इन्वेस्टर invests 40,000 to be received after 10 years is interest rate is 9%। इसका मतलब हुआ कि एक इन्वेस्टर को 10 years के बाद में 40,000 रुपीज मिलेंगे, तो उस 40,000 की आज की डेट में क्या वैल्यू है। मतलब इसको अगर हम टाइम लाइन पे समझें तो आज जीरो पीरियड है, 10 years के बाद में हमें 40,000 रुपीज मिलेंगे, कुछ ना कुछ इन 10 ईयर्स में कुछ ना कुछ हमें इंटरेस्ट भी एड ऑन होगा। तो आज की डेट में हम कितना इन्वेस्ट करें कि उस अमाउंट पे इंटरेस्ट मिलके वो 40,000 हो जाए, दिस इज द क्वेश्चन। तो इसको किस तरह से फाइंड आउट करेंगे हम विद दिस फॉर्मूला कि हमारा प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी, हमारी फ्यूचर वैल्यू इंटू पीवीएफ एन एंड आई। तो प्रेजेंट वैल्यू हमसे पूछी गई है, फ्यूचर में हमें मिलेंगे 40,000 रुपीज इंटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 10 ईयर्स, 9% की हमें वैल्यू देखनी है। तो 40,000 इंटू, तो जो हमारी टेबल वैल्यूज थी, जो हमारी कंपाउंड वैल्यू हमने टेबल यूज करी थी, कंपाउंड वैल्यू फैक्टर हमने यूज करी थी, अब हम जो टेबल यूज करेंगे उस टेबल का नाम है हमारा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर टेबल, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ए लमसम। इस टेबल के अंदर सेम वैसे एक तरफ एन है एक तरफ आई है। तो एन इज 10 ईयर्स और 9% की वैल्यू अगर हम देखते हैं तो वो वैल्यू निकल के आती है 0.422। इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 40,000 मल्टीप्लाई बाय 0.422 इज 16,880। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम टाइम लाइन पे इसको समझना चाहें तो आज की डेट में अगर हम 16,880 रुपीज इन्वेस्ट करते हैं
10 ईयर्स के लिए और उस पर हर साल हमें 99% का इंटरेस्ट एक्युमुलेट होता है, तो वो अमाउंट आफ्टर 10 ईयर्स बन जाती है 40,000। तो यानी 40,000 को हम कह सकते हैं फ्यूचर वैल्यू और 16,880 को हम कह सकते हैं प्रेजेंट वैल्यू। तो दिस इज ए बेसिक क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है ये हो गया एक सिंगल पेमेंट का, कि सिंगल वन टाइम जो आपको फ्यूचर में रिसीव होना है उसकी आज की डेट में वैल्यू क्या है। अब अगर मान लिए हमारे पास जो क्वेश्चन हो वो थोड़ा सा डिफरेंट हो, क्वेश्चन इस तरह से हो जैसे एक सीरीज का क्वेश्चन हो कि भाई आपको इन फ्यूचर आने वाले टाइम में कुछ पेमेंट रिसीव होना है। जैसे क्वेश्चन हम लेके चलते हैं कि व्हाट विल बी द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग सीरीज ऑफ ईयरली पेमेंट्स इंटरेस्ट रेट इज 10%। अब हमें एक सीरीज दे रखी है, ये नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड कैश फ्लोज आर गिवन। कैश फ्लोज आर 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000। तो इनकी हमसे पूछा गया है कि व्हाट विल बी द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दीज कैश फ्लोज। अब इसको कैसे किया जाएगा, अगर हम इसको टाइमलाइन पे समझें तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से हुआ कि भाई आज तो जीरो पीरियड है 1, 2, 3, 4, 5 कि पहले साल हमें 1000 मिल रहे हैं, सेकेंड ईयर में 2000, थर्ड ईयर में 3000, फोर्थ ईयर में 4000, फिफ्थ ईयर में 5000। तो हम जानना चाहते हैं कि आज की डेट में यानी जीरो पीरियड में इनकी वैल्यू क्या होगी। वी जस्ट वॉन्ट टू नो अबाउट दिस। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो तरीका है, क्योंकि ये सारी अमाउंट डिफरेंट है, तो हम इसके लिए प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर टेबल यूज करेंगे, NRI। तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर टेबल हम 10% वाली देखेंगे। 10% के अंदर ईयर नंबर 1, क्योंकि ये फर्स्ट ईयर है तो 10% में वह फर्स्ट ईयर की वैल्यू है 0.909, सेकेंड ईयर में 0.826, 0.751, 0.683, 0.621। तो इस तरह से हम सारी वैल्यूज अलग अलग देख लेंगे, फिर इन वैल्यूज की हम मल्टीप्लाई कर देंगे, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगी प्रेजेंट वैल्यू, यानी 1000 × 0.909 = 909, 2000 × 0.826 इज 1652, 3000 × 0.751 is 2253, 4000 × 0.683 is 2732, और 5000 × 0.621 is 3105। अब अगर हम इसका टोटल लगा देते हैं तो इट कम्स टू 10,651 rupees। This is the present value of this cash flow. तो ये हमने किया इस तरह से tabular form में। This is the way to solve these type of questions. और अगर हम इसी question को timeline पे जो हमने solve किया, तो ये जो values निकल रही हैं basically, ये सारी values इन्हीं values की निकल रही हैं। अगर हम इनको थोड़ा सा diagrammatical देखें, तो ये जो 1000 rupees हैं, इसकी value आज की date में हो गई zero period में 909, इस 2000 की days, ये 3000 की, ये 4000 की, ये 5000 की, एंड दिस इज द टोटल वैल्यू विच कम्स टू 10,651 rupees। आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल। इसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं इसके अंदर एन्यूटी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्यूटी। इसको रब कर देते हैं। एन्यूटी जैसा कि हमने डिस्कस किया, एन्यूटी का मतलब होता है कि सेम अमाउंट वी आर रिसीविंग और वी आर पेड एवरी ईयर। जब अमाउंट सेम होती है हर साल की तो उसे हम कहते हैं एन्यूटी। तो एन्यूटी का क्वेश्चन लेके चलते हैं एक।
जैसे सपोज मिस्टर एक्स वॉन्ट्स टू नो द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एन्यूटी कंसिस्टिंग ऑफ कैश फ्लो ऑफ रुपीज 1000 पर ईयर फॉर 5 years. The rate of interest is 10%. तो ये क्वेश्चन क्या बना? क्वेश्चन ये बना कि मिस्टर एक्स ये चाहते हैं कि अगर उन्हें अगले 5 सालों तक हर साल 1000 रुपीज रिसीव हो तो आज की डेट में उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी. या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर हम इसको टाइम लाइन पे लें 3, 4, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 कि मिस्टर एक्स को अगले 5 सालों तक 1000 रुपीज रिसीव होंगे, तो वो जानना चाहते हैं कि इसकी आज की डेट में वैल्यू क्या होगी. या आप ये कह सकते हैं क्वेश्चन को दूसरे तरीके से कि अगर हमें आज की डेट में हम कितना इन्वेस्ट करें कि हर साल हमें 1000 रुपीज मिलते रहें जबकि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10% है. इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं. एक तरीका तो हमारा वही है पुराने वाला, हम चाहे तो इसको टेबल बना के भी सॉल्व कर सकते हैं कि ईयर 1, 2, 3, 4, 5 कैश फ्लो 1000 प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर देख लें 10% पे, दोनों की मल्टीप्लाई कर दें. या दूसरा तरीका क्या है कि हम इसके अंदर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एन्यूटी टेबल का यूज भी कर सकते हैं. वो टेबल एक तरह की शॉर्टकट है हमारे लिए. तो उसे करने का तरीका क्या होगा, हमारा फॉर्मूला लग जाएगा प्रेजेंट वैल्यू इक्वल्स टू एन्यूटी मल्टीप्लाई बाय प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एन्यूटी 5 years 10%. तो एन्यूटी इज 1000 रुपीज मल्टीप्लाई बाय प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 5 years 10% की वैल्यू होती है हमारी. इसको हम टेबल में देखते हैं तो 3.791 यानी इट कम्स टू 3791. इसका मतलब हुआ कि अगर हम आज की डेट में 3791 रुपीज इन्वेस्ट करते हैं और सो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला दिस इज अ शॉर्टकट एंड वी कैन कैलकुलेट दिस वेरी इजीली. तो ये क्वेश्चन क्या बनता है हमारा, इसको हम दूसरी तरह से भी समझ सकते हैं कि अगर आज की डेट में हम 3791 रुपीज इन्वेस्ट करते हैं जिसपे कि हमें 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है हर साल, तो उससे जो अमाउंट एक्युमुलेट होगी वो उस तरह से एक्युमुलेट होगी कि हमें अगले 5 सालों तक 1000 रुपीज हम रिसीव कर पाएंगे. तो ये था हमारा एक एन्यूटी का पोजीशन, एनी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्यूटी. अगर मान लो इसके अंदर एक तरह का क्वेश्चन हमारा और बनता है, वो बनता है प्रेजेंट एन्यूटी टेबल हमारे एक और काम में भी आती है, दैट इज टू फाइंड आउट द लोन इंस्टॉलमेंट. तो लोन इंस्टॉलमेंट को किस तरह से देखेंगे हम, सपोज यू बोरो रुपीज 10,000 एट 12% कंपाउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 5 years द लोन इज पेबल इन 5 equal annual installments. So find out that each equal annual installment.
तो हमारा क्वेश्चन हुआ कि अगर हमने 10,000 रुपीज का एक लोन लिया 12% के कंपाउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 5 years के लिए, तो हमारी एनुअल इंस्टॉलमेंट क्या होगी। अभी क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए हम एनुअल इंस्टॉलमेंट निकाल रहे हैं, अदरवाइज हम इसकी मंथली इंस्टॉलमेंट भी निकाल सकते थे। मंथली इंस्टॉलमेंट वाला कंसेप्ट हम डिस्कस करेंगे अपनी एक्सेल की वीडियो में, जब हम इस टॉपिक को एक्सेल के अंदर पढ़ेंगे, क्योंकि अदरवाइज मंथली इंस्टॉलमेंट में 60 इंस्टॉलमेंट बन जाती है। तो यहां पर अभी हम पहले इसी कंसेप्ट को डिस्कस करते हैं। तो जब भी हमें इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट निकालनी हो, तो यहां पर जो हमारा कंसेप्ट यूज होगा वो यूज होगा लोन अमाउंट अपॉन, अब क्योंकि जो इंस्टॉलमेंट है वो पांचों इंस्टॉलमेंट हमारी इक्वल होंगी। जब भी हमें कोई चीज इक्वली निकालनी है तो उसे हमने क्या कहा था, अब क्योंकि हम सारे जो पेमेंट्स करेंगे इंस्टॉलमेंट के वो इक्वल पेमेंट करेंगे, सेम अमाउंट के करेंगे। तो जब भी हम सेम अमाउंट की बात करते हैं तो हम किसकी बात करते हैं, एन्यूटी की बात करते हैं। तो इसलिए जो हम यहां पर यूज करेंगे वो यूज करेंगे लोन अमाउंट अपॉन प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एन्यूटी 5 years एंड 12%। तो लोन अमाउंट है हमारा 10,000 का डिवाइडेड बाय, इसके अंदर हम टेबल में अपनी वैल्यू देख लेंगे एन्यूटी टेबल के अंदर कि 5 years 12% की वैल्यू क्या आती है। तो 12% में 5 years की वैल्यू आती है 3.605 एंड इट कम्स टू 2773.93 और 2774 रुपीज। यानी अगर हम इतनी इंस्टॉलमेंट, दिस विल बी आर एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट, कि अगर हमने 10,000 का लोन लिया 12% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 5 years का और हमें पेमेंट एनुअल इंस्टॉलमेंट में करना है, तो एक इंस्टॉलमेंट हमारी इतने की बनेगी। तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एन्यूटी टेबल का यूज लोन इंस्टॉलमेंट निकालने में भी यूज होता है। एंड इन द लास्ट एक छोटा सा टॉपिक हम और डिस्कस करते हैं आज, वो है हमारा रूल ऑफ 72। रूल ऑफ 72 एक बहुत यूज किए जाने वाला रूल है। रूल ऑफ 72 क्या होता है? रूल ऑफ 72 ये हमें ये बताता है कि कितने टाइम पीरियड में आपकी मनी डबल हो जाएगी। इट टेल्स अस अबाउट द टाइम पीरियड टू डबल योर मनी, कि आपको अपना पैसा डबल करने में कितना टाइम चाहिए, कितना टाइम लगता है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, टाइम पीरियड टू डबल योर मनी इक्वल्स टू 72 अपॉन रेट ऑफ इंटरेस्ट। सपोज मैंने जो बैंक में पैसा इन्वेस्ट किया है वहां पे मेरे को 6% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, तो टाइम टू डबल माय मनी, मेरा पैसा कितने टाइम में डबल होगा, 72 / 6, यानी इट विल टेक अराउंड 12 years। अगर मेरे को 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है बैंक के अंदर, तो 72 / 10, यानी 7.2 years में मेरी मनी जो है वो डबल हो जाएगी। अगर मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है, तो 72 / 8, 9 years। तो ये जो हमारा कंसेप्ट है रूल ऑफ 72, ये हमें अप्रोक्सीमेट आंसर बता देता है। इसका जो ये जो आंसर्स निकल के आ रहे हैं, तो ये जो हमारे आंसर्स निकल के आ रहे हैं, ये आंसर्स 100% एक्यूरेट नहीं है, लेकिन ये अप्रोक्सीमेटली हमें काफी हद तक ठीक आंसर्स बताते हैं। तो अप्रोक्सीमेटली एक्चुअल में हो सकता है आपका आंसर 12 years 1 month आ जाए, या 11 years 11 month आ जाए, लेकिन अप्रोक्सीमेटली ये ठीक बताते हैं। तो ये रूल काफी यूज किया जाता है इन जनरल। सो फ्रेंड्स, आपको ये आई थिंक कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी को किस तरह से एक्सेल में अप्लाई किया जाता है उसको हम डिस्कस करेंगे। पूरी लोन अमोर्टाइजेशन टेबल कैसे बनाई जाती है एक्सेल के अंदर, मंथली इंस्टॉलमेंट कैसे निकाली जाती है, वो सब चीजें डिस्कस करेंगे।
आपके जो भी कमेंट्स हो, आपकी जो भी क्वेरी हो, वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर भेज सकते हैं। थैंक यू।